पुलिस और पीएससी ये सब बेकार हो गई, भूखी प्यासी जनता भी ये लाचार हो गई, राष्ट्रभक्ति देश की बाजार हो गई, राष्ट्रभक्ति देश की बाजार हो गई, अब खुद्दारों की खुद्दारी अब गद्दार हो गई, अब रास्ता ईमान का दिखाओ दोस्तों, भोर हो गई है, अब जाग जाओ दोस्तों, इस जलते हुए देश को बचाओ। पहलवान गाड़ी मीटर हवाई जीवन सौ तैंतालीस हमारे उसी के लक्ष्य में मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आया हूँ। राजनीतिक चुनावों की घोषणा होगी, हम सारे क्षेत्र बारे में लड़ाएंगे और विकास क्या रहता है किसानों के बारे में वो तो हमें सब उसमें कदम उठाएंगे और इसको शांति करेंगे और किसी पार्टी का शांति गठबंधन नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे हम तो अकेले जीतेंगे। बरेली से कौन लोकसभा प्रत्याशी? अभी हम लिस्ट आपको दे देंगे, 10-15 लिस्ट दे देंगे। बताइए आज ये सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका इससे पहले भी हमने एक मीटिंग कर चुके हैं और मिल कर चुके हैं और जो देखा है क्रांतिकारी सम्मेलन करते रहते हैं और हमारे उद्देश्य है कि जो बड़े से स्मार्ट सिटी का रूप दिया जा रहा है उसमें हम सहयोग दें, जो चीज़ें पिछली सरकार नहीं कर पाई है, वादे करके चले गए हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते, हमारी जो पार्टी है जो वादे करेगी उसको पूरा करके दिखाएगी और ये हमारा सबको कहना है, ये हमारा मानना है कि हम लोग समाज सेवा से जुड़े हैं और उन्हीं समाज सेवा करके आगे बढ़ते हैं। बोलना नहीं आता है, आप इंसान को नहीं परखते हैं, वो गुनाह नहीं बल्कि आप गुनाह। जब हम घर से निकलते हैं तो बहुत कहते हैं कि नालियों में पानी भरा हुआ है, सड़कों पे गड्ढे हैं, ये है वो है, तमाम है। जब आप कब कहां थे? मैडम क्या नाम है आपका? क्या कार्यक्रम चल रहा है आज? मैं वैसे भी समाज सेविका हूँ और अब मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, यही मतलब आगे जीतूं या हारूं ये तो आगे वोटों की गिनती में ही पता चलेगा, लेकिन हाँ मैं यही चाहती हूँ, मतलब गरीबों की वैसे ही सेवा करती थी लेकिन इलेक्शन लड़ के आगे और देश की सेवा करना चाहती हूँ। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रही हैं आप? मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी, जिससे मेरे नदीम पिरवारी और शबाना जी है मेरे साथ और जी राष्ट्रीय वारसी वो हैं, राष्ट्रीय चित्रा मैडम है मेरे साथ, बाकी और सारे लोग हैं। इस पार्टी का जो है कब शुरू हुई पार्टी? ये पार्टी तो इस पार्टी को हो गई करीब 5-6 साल हो गए। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाएंगी? मैं यही है जो मुद्दे क्या कहेंगे मतलब गरीबों के हैं या और भी किसानों के बारे में है या गरीबों के बारे में, मैं यही चाहती हूँ मतलब उनकी मैं मदद करूँ और उनका सहयोग करूँ, उन्हीं के सहयोग के लिए मैं चाहती हूँ मैं आगे बढ़ूँ और हर किसी का गरीब से गरीब होए या अमीर होए मैं हर किसी का साथ देना चाहती हूँ, बस यही मेरी सोच है और इसी सोच को लेके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लड़कियों के लिए या मेरी बुजुर्ग महिलाएँ। मैडम क्या नाम है आपका? शबाना जी, क्या कार्यक्रम चल रहा है आज? ये समाजवादी पार्टी से नदीम इकबाल जुड़े हैं, RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में थे और अब उसमें समाजवादी पार्टी में और पाकिदा जी को इलेक्शन लड़ाने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है, उनको थोड़ा उसमें हाईलाइट करना चाहते हैं। मैं उनकी वाइफ उनके साथ रहती हूँ, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, समाज सेविक हूँ, पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अमन कमेटी एक से जुड़ी हुई हूँ और यही चाहती हूँ कि बस इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचानें और उनको सपोर्ट और वोट दोनों उनके लिए करें। पाकिस्तान और भी कोई प्रत्याशी उतारा है क्या? अभी तो 4-5 जगहों से मतलब उतारेंगे, अभी थोड़ा वही आकर जो भी मैटर को बताएंगे, फिलहाल इतने ही मुझे मालूम है।